मैं झारखंड सिमडेगा जिला के जलडेगा प्रखंड से। मैं एक साल पहले एक वीडियो बनाया था जो कि श्री रामेश्वर दास को नरेगा के तहत कूप निर्माण का काम मिला था। कारी माटी पहाड़ टोली के मुंडा आदिवासी समुदाय के लोग काम कर रहे थे, जो कि एक महीना तक काम किए और इन लोगों को मात्र एक ही सप्ताह का पेमेंट मिला था और बाकी तीन सप्ताह का पेमेंट बचा हुआ था। ये योजना 2011-12 का था और इसमें इन लोगों को 2014 तक बकाया पेमेंट नहीं मिला है, तो मैं इसी के ऊपर में एक वीडियो बनाया था। खान वो बोलो क्षेत्र से स्कीम निकला है रामेश्वर दास, अब जितना भी यह पहाड़ टोली कर पूरा हमारे बूढ़ा बूढ़ी कमा ली। इखन कह रहे हैं वो 2012 से इखन वो सब मरम्मत हो गया कुआँ, तो पेमेंट हो जाए कि नहीं, इखन खन साहब बदली जाए है, खन कहाँ हो जाए अपने को पूछे लखन, तो इखन साहब बदली हुई है, इखन सब हुआ तो लिस्ट सब यहाँ तो जमा है, लेकिन वैसे पैसा तो नहीं आवत। तो जे आलो जनसोक भी आवत रहे वो देख के जल्दी हड़बड़ी कमावा, जल्दी तुरंत पैसा मिल जाए कह के आवत है देखे और चल जाए। ये फंड कहाँ से, मनरेगा की तरफ से ही नहीं मिला है क्या? हाँ, मनरेगा की तरफ से ही। कितना दिन हो गया है जो नहीं मिला है? मिला तो अब तो साल भर से अधिक हो रहा है। तो अभी अधिकारी लोग क्या कहते हैं? अभी तो अधिकारी लोग कुछ नहीं कहते, चुपचाप बैठे हैं। और इन लोगों का जो इस कुआं में जो काम किए थे जो मजदूर, उन लोगों का मास्टर रोल बना था? बना है। और वो जमा हो गया? जमा हो गया है। जितना भी मैनुअल मास्टर रोल उसको 15 दिन हम लोग समय दिए थे, पेपर में भी पेपर कटिंग है, क्या जितना भी फील्ड में हाथ से बना हुआ मास्टर रोल है उसको आप लाइए, ठीक है, जितना बचा है उसमें हम लोग उसको पेमेंट किए, बहुत सारा किए, इसका छूट गया अलग बात है, तो वो हो गया। अब मेरे साथ दिक्कत है कि अभी ई मास्टर रोल हो गया है, ई मास्टर रोल हो गया, अब पेमेंट नहीं हो पा रहा है, रिकॉर्ड देख के हम आपका मतलब जो बकाया मजदूरी है इसको हम जिला में रखेंगे कि इसको कैसे किया जाएगा, मैनुअल है, अब हम ई मास्टर रोल तुरंत निकालता है, सप्ताह में पेमेंट करते हैं, तो ये टेक्निकल समस्या है। तो इसमें अभी जो मजदूर लोग हैं वो लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं, तो उन लोगों का क्या नहीं? एक तो हम इसमें भी हम तो जांच इसको करेंगे ही, बहुत दिन से आ रहा है, इसमें मजदूर कभी मेरे पास नहीं आया, जब भी आया रामेश्वर दास ही आया। श्रम विभाग के श्रम प्रावर्तन पदाधिकारी को भी एक आवेदन दिया, उनको आवेदन देने के लगभग 2-3 महीना के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ, तो उसके बाद मैं इन मजदूरों का जो बात को लेकर के हमारे जो ज़िला में वकील के पास लेके लोक अदालत में एक एप्लीकेशन लिखवाया और वहाँ पर देने के लगभग 1-1.5 महीना के बाद लेबर के नाम से एक नोटिस आया और जिनके नाम से कुआं था श्री रामेश्वर दास के नाम से नोटिस था और इन लोगों को सिमडेगा जिला के लोक अदालत में बुलाया गया था कुआं का जांच करने के लिए, अधिकारियों को भेजा गया। जितने लोग भी पंचायत सेवक रोजगार सेवक जेई बीपीओ बीडीओ और जो भी हम लोग जो थे सबको अपना अपना जवाब सौंपे, उसके बाद में हम लोग एक रास्ता पर पहुँचे कि अब मास्टर रोल के आधार पर हमको देखना है कि वास्तव में और मजदूरों के आधार पर और उसमें हम लोगों को जॉब कार्ड और पासबुक के आधार पर वो सबको अध्ययन करने के दौरान फिर हम लोग को पता चला कि हाँ अब इसमें से जो जो खामियाँ हैं वास्तव में इनको उस समय का चाहे जो भी समय ये रहा हो जो कोर्ट के द्वारा आदेशित हुआ
कि इनका भुगतान कर देना है, लेबर कोर्ट के द्वारा हुआ था। तो अब उसके आदेश के आलोक में हम लोगों ने भुगतान का ये करने का कार्य जारी किया। बकाया मजदूरी का भुगतान 23 जुलाई 2014 को प्रखंड के बीपीओ के द्वारा कर दिया गया। 2 साल के अंदर इतना काम होते हुए आज पेमेंट हमार हो गया। जे बचल खुचल सब ठीक हो गया। जे 3-15 दिन बुधवार बुधवार चलते रहते थे, लेकिन आज ऐसा मौका आ गया। मौका का सब इसमें ठीक से पेमेंट हो गया। हमारे से बहुत धन्यवाद। अब ये वाला पैसा को जो मिला है क्या चीज़ में खर्चा की जाएगी? चीज तो मिला है, चाहे मिल सके तो खेती बाड़ी भी चलाएंगे और खाना पीना भी चलाएंगे, रोपा भी रोपेंगे। अभी तक आपको लग रहा था कि आप कंप्लेन के भरसा से कि ब्लॉक रिस्पॉन्सिबल, लेकिन जब वहाँ से हमको जवाब आया तो हमको लगा कहीं ना कहीं रामेश्वर दास राय भी रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि उसने काम कराया तो उसको मालूम होना चाहिए काम करा के पैसा बजट से ज़्यादा पैसा है। MBA नहीं बुक कराया और आप दावा ठोक रहे हैं। और हम तो ब्लॉक को नोटिस नहीं किए थे, हम तो रामेश्वर दास को नोटिस किए। वो मेरे नज़र में था दोषी कि उसने काम कराया। हाँ, सही। तो वो पैसा फेंक दिया ब्लॉक में, तो हम ब्लॉक को भेजे। वहाँ का लोकल मुखिया था, वो लोग बोला कि नहीं रिकॉर्ड में नहीं बोलता ऐसा, तो हम लोग कहाँ देंगे, उल्टी इसको रिकवरी करना। देखिए क्या होता है, आर ई डिफरेंट होता है कि कोऑर्डिनेशन का अभाव, उसको भी नहीं लेना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। और इन लोग भी नहीं किया जी, इस उसको बुक कराना चाहिए। सिस्टम का दोष है, अब उसको यही मान। प्रखंड के पदाधिकारी, BPO, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी एवं अन्य अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके कार्रवाई के कारण कारीमाटी पहाड़ टोली के मजदूरों को बकाया मजदूरी की भुगतान 2 साल बाद कर दी गई। मैं वारले सुरिन, झारखंड सिमडेगा से, इंडिया अनहर्ड के लिए।